हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, और वीकली रीडिंग है कि ये सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं इस हफ्ता, ठीक है, कैसी आपकी एनर्जी रहेगी, क्या करने वाले हो आप, ठीक है, जो भी निकलता है मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी, ओके। और ये आल साइन के लिए होगी, सभी राशियों के लिए होगी, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो, ठीक है, ये इसी वीक के लिए, ओके। तो यहाँ पर कलेक्टिव है, इसमें कोई पाइल चूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और थैंक यू सो मच जो वीडियो को इतना लाइक कर रहे हो आप, कमेंट्स कर रहे हो और मुझे सपोर्ट कर रहे हो, दिल से आप सभी को थैंक यू। और यूनिवर्स, ब्रह्मांड हम सभी को ब्लेस्ड करें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मैं प्रेयर करती हूँ। तो अगेन थैंक यू सो मच। और चलते हैं रीडिंग की तरफ, जो कि कलेक्टिव रीडिंग है, वीकली रीडिंग है, कि ये हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है, कैसी एनर्जीज आपकी रहेंगी, ठीक है। फर्स्ट मैं देखती हूँ टैरो से, ओके। आप भी पॉजिटिव रहो बिल्कुल, ठीक है। और कोई कोई शायद मुझे कुछ ऐसी अभी ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा अभी किसी सोच विचार में डूबे हुए हैं, तो बिल्कुल अपनी, देखो कहते हैं ना कि हमारी एनर्जी जैसे हम रहते हैं वैसी हमारी एनर्जी, हमारी तरंगे, ओके, ये सिर्फ यहाँ पर एनर्जी है और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे आपके अंदर से तरंगे निकलेंगी ना, वो घूम फिर के आप ही के पास आएंगी, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो, ओके, पॉजिटिव रहोगे हैप्पीनेस ऑटोमेटिक आपकी तरफ आएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, ये भी मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है, ये सप्ताह क्या लेकर आ रहा है, ओके। नाइट ऑफ कप्स एंड डेविल, डेविल जी आ गए जो सोच विचार कर रहे हैं, भाई मत करो यार, क्योंकि देखो तुम जो तुम सोच रहे हो वही अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, वो नहीं करना है, ओके। थैंक यू, ये सप्ताह कैसा रहने वाला है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के, आल साइन है, सभी राशियाँ की मैं इंटेंशन यहाँ पर डाल रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, ये सप्ताह मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए क्या लेकर आ रहा है, ओके। थैंक यू सो मच, ये सप्ताह मेरे सब्सक्राइबर्स का कैसा रहने वाला है, ओके। यहाँ पर है फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये सप्ताह मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को, फाइव ऑफ वैंड्स, थैंक यू, एंड जजमेंट, ओके, सब क्लियर हो गया है यहाँ पर। मैं बताऊंगी आपको ये सप्ताह आप बहुत बड़ा मेजर चेंज है आपके अंदर, ठीक है। मैं इन कार्ड्स को भी लूंगी, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे, एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नहीं इसको यहाँ पर रखूँगी, ठीक है, एंड नाइट ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये सप्ताह देखो आपके लिए है ना, कुछ ऐसा रहेगा कि आपको है ना जजमेंट मिलेगा इस वीक, ओके। एक कहते हैं ना न्याय मिलना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं साइन यहाँ पर सभी निकले हुए हैं, सभी साइन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी डाउट्स मत रखना अपने लिए किसी भी तरह का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वीक आप जो भी अभी तक भगवान से मांग रहे थे, ठीक है, भगवान अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में क्या चीज़ें थी आपकी, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस वीक आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो, एक ऐसी नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हो जहाँ पर आप बहुत कहते हैं ना बंधा हुआ सा महसूस कर रहे थे, जहाँ से आप
सोचते थे कि मैं कैसे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँगा, या तो आपकी खुद की कुछ ऐसी चीज़ें थी या किसी पर्सन की ऐसी चीज़ें थी या पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर आप उस सिचुएशन को शायद हैंडल नहीं कर पा रहे थे, या कुछ किसी का कंपटीशन में देख रही हूँ, कैरियर में कंपटीशन है, किसी किसी की लव लाइफ, ओके यहाँ पर सभी निकला हुआ है, किसी की लव लाइफ में स्टक थे, कोई कैरियर में स्टक था, कोई मतलब ये लगा लो मेंटली डिस्टर्ब थे, ओके और कोई फाइनेंशियली, ठीक है यहाँ पर यही निकल रहा है। तो यहाँ पर मैं देखो आप लोगों को यही बताऊँ कि इन सब चीज़ों पे जो भी आप प्रेयर कर रहे थे, जो भी प्रार्थना कर रहे थे, वो आपकी कबूल की जा रही है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है आपका, वो कहते हैं ना, हाँ सुन, ईश्वर बोल रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं कि आपकी प्रार्थना, आपकी जो अर्जी थी ना, आपने प्रभु से अभी तक जो मांग रहे थे, वो आपकी तरफ भेजी जा रही है, वो आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। हर चीज़ में आपको क्लियरिटी यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है। और आपको साथ साथ, तो कहते हैं ना, एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में थे कि आप हमेशा अपनी तरफ नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते थे, आपकी एनर्जी कुछ ऐसी चीज़ों में अटकी हुई थी कि जहाँ पर आप नेगेटिव ही सोचना, लोगों के अंदर भी शायद विश्वास नहीं कर पाना, कुछ भी किसी भी सिचुएशन में आपका ठीक नहीं होना, ठीक है। ये सिचुएशन देखो आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, ठीक है, या आपकी कैरियर में भी हो सकती है, या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखो आपकी नेगेटिविटी मुझे नज़र आ रही है आपके माइंड पर, और आपके थोड़ा सा नेचर अग्रेसिव हो सकता था, लेकिन ये वो टाइम था आपका, ऐसा टाइम था जो कि एक आपने टाइम निकाला है, लेकिन ये जो वीक है ना, इस वीक आप बहुत ज़्यादा, आपको इन सब चीज़ों से क्लैरिटी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। जो कहते हैं ना, पास्ट की चीज़ें, बार बार कुछ चीज़ें थी जो आपकी तरफ आपको अटैक करती थी और एक वापस उसी सिचुएशन में आपको लेके जाती थी जहाँ से सिर्फ पेन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलता था, ठीक है। तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक आपका थॉट्स है ना, आपके कहते हैं ना कि जब हम कुछ चीज़ों को नेगेटिव सोचते हैं लेकिन उसी जगह हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं ना, तो फिर वो नेगेटिविटी हमारी दब जाती है, ओके, और पॉजिटिविटी बहुत भारी हो जाती है। देखो हमेशा हमेशा यही कहा जाता है, जीत हमेशा सत्य की होती है, ओके। एक झूठ होता है, ठीक है, उसका टाइम होता है कि हाँ वो उसी टाइम तक पनपता है, ठीक है, लेकिन हाँ हमेशा लास्ट में क्या होता है, जीत हमेशा सत्य की होती है। तो यहाँ पर भी आपके साथ वही हो रहा है, चाहे कितना भी आप कहते हैं ना, कितनी ही लोगों की नज़रों में आए हो, लोगों कितने ही लोगों ने आपके साथ चीट किया हो, धोखा दिया हो, आपको बहुत ज़्यादा देखो इमोशनली भी हर्ट हुए हो, मेंटली भी डिस्टर्ब हुए हो, और फाइनेंशियली भी काफ़ी उसमें रहे हो आप, ठीक है। तो ये वीक है ना, आप इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कवर अप करते हुए, ठीक है, अपने आप को एक कहते ना, हाँ अपनी सिचुएशन को हैंडल करते हुए काफ़ी आप स्पिरिचुअल भी हो रहे हो, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जब हम एक नेगेटिविटी से निकलते हैं और एक पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिविटी क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी। आपकी सोल है ना, पहले बहुत कुछ और थी, और सोल की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपका जो आपके जो विचार कह लो, आपकी कुछ आदतें कह लो, या किसी की दी हुई चीज़ें भी हो जाती हैं कभी कभी हमारे ऊपर, हमारे लिए कोई गलत कर देता है, हमारे लिए गलत सोच लेता है, हमारे साथ गलत चीज़ें हो जाती हैं, तो उन सब ख्यालों में जो डूबे रहते हैं ना हम, वो हमारी नेगेटिविटी। इसीलिए बोला जाता है कि गलत कुछ चीज़ें होती है ना, तो उसको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि वो उतने टाइम के लिए हमारी एनर्जी में ऑब्जर्व हो जाती हैं। जो बुरा होता है ना हमारे साथ, उसको इसीलिए बोला जाता है भूलो, सब भूल जाओ, जो कुछ हुआ है रखना नहीं है, क्योंकि वो बुरी चीज़ों को रख के कोई फ़ायदा नहीं होता है,
रखना है तो अच्छी चीज़ों को रखो, अच्छी चीज़ों से यादें भी हैं किसी की आपके अंदर, ठीक है, उन यादों को संजो के रखने की जरा, अच्छी यादें हैं तो रखो, अगर गंदी यादें हैं, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा कुछ गुस्सा किया है, आपके साथ चीटिंग की है, इमोशनली आप हर्ट हुए, तो उनको याद नहीं करना है, क्योंकि वो आपको जितना याद करोगे वो उतनी नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये वीक है ना, आप काफ़ी एक तो स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप भगवान से बहुत नज़दीक जा रहे हो, ईश्वर के द्वारा आपकी बहुत सारी चीज़ों को एक कहते हैं ना, हाँ, एक खुद फील करोगे कि आप कितना कितनी उस गंदगी से बाहर निकल के आप प्रभु के नज़दीक आप जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप काफ़ी अपने आप को कहते हैं ना कि जब हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, तो हम वहाँ पर इमोशनल भी हो जाते हैं। जब हमें कोई बहुत प्यार से बात करता है, जब हमारे तरफ बहुत प्यार से आता है और हर चीज़ को जैसे हम चाहते हैं ना, वैसे हमारे साथ चीज़ें होने लगती हैं, तो ऑब्वियसली हम इमोशनल हो जाते हैं वहाँ पर। तो ये वीक आप काफ़ी अपनी चीज़ों को अपनी तरफ आते हुए देख रहे हो, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आपके अंदर क्लैरिटी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। हर चीज़ों के लिए आप कहते हैं ना अपने ऊपर दम खम रखना, ठीक है, और काफ़ी आप दूसरों के प्रति भी एक केयरिंग कनेक्शन आपका बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। एक ये वीक है ना, आप काफ़ी एक जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और एक कहते हैं ना कि जब हम एक बहुत बुरी साइकिल से निकलते हैं, ठीक है, बुरे वक्त से हम निकलते हैं, तो वहाँ पर एक कहते हैं ना कि जब उसके बाद जो टाइम होता है बहुत अच्छा टाइम होता है, तो ये वीक आप काफ़ी इस जोन में आप रहने वाले हो, ठीक है। आप अपने साथ खुश हो रहे हो, अपने ऊपर टाइम लगा रहे हो, एक अबंडेंस में यहाँ पर देख रही हूँ, आप अबंडेंस में यहाँ पर ये वीक में आपकी हर तरीके से देख रही हूँ, ठीक है। आप खुद से प्यार कर रहे हो, आप दूसरों से प्यार कर रहे हो, आप स्पिरिचुअली कहते हैं ना भगवान से एक जो हम मांगते हैं वो चीज़ें जब हमें मिल जाती हैं, तो एक फेथ होता है ना यूनिवर्स के ऊपर, वो एक जो बढ़ जाता है, तो वो आप इस एनर्जी में आप यहाँ पर रहने वाले हो, ठीक है। किसी किसी की लाइफ में फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्टक थे, एक उसी के बारे में सोचना, विचार करना, देखो ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी भी चीज़ के ऊपर सोचते तो वो नेगेटिविटी ही हो जाती है हमारी, ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड है ना उसी में स्टक हो जाता है, बांध लेते हैं हम अपने आप को उसमें। तो यहाँ पर वही है कि आप अपने आप को फ्री कर रहे हो, ये वीक आप काफ़ी फ्री रहने वाले हो, ऑफर है बिल्कुल, यहाँ पर ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, एक प्यार का ऑफर है, एक कहते ना ऑफर भी है, हर चीज़ में ऑफर है आपकी तरफ, ठीक है। एक पीस और शांति में ज़्यादा महसूस कर रही हूँ कि कोई कोई बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि जब किसी सिचुएशन से निकालते हो लास्ट में, जब कहते हैं हाँ फाइनली हमने एक सक्सेस प्राप्त करी है, हमने एक सक्सेस को मैनिफेस्ट किया है, तो वो जब होती है ना हमारा दिल खुश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीक आप काफ़ी उस जोन में यहाँ पर रहने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर कोई आपकी तरफ आ रहा है जो आपको इस सिचुएशन से निकलने में आपकी बहुत हेल्प भी करेगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप थोड़ा सा इमोशनल अपने आप को फील कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं और देखती हूँ अब के एनर्जी डेक से आपके लिए कि ये वीक कैसा रहने वाला है मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू। ये वीक आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर अपने आप को फील करोगे, यानी कि कोई आपके साथ कुछ गलत भी करना चाहेगा ना, या कुछ करना भी चाहेगा, तो आप उसको कहते हैं ना अब अपने आप को एक कहते हैं ना कि नहीं, बस जो करना था तुमने कर लिया मेरे साथ, और जो होना था हो लिया, और अपने उसमें रहना, अपनी पावर में रहना, ठीक है। एक कोई भी अगर प्रॉब्लम आती भी है ना, तो वो सबसे पहले कोई नहीं, आप ही खड़े हो जाओगे उसके सामने। एक आपका जो बिलीव सिस्टम है ना, एक कहते हैं ना कि हम जब स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है, और स्ट्रांग कब होते हैं, वो सिचुएशन और समय ही करता है हमारे साथ।
विक्ट्री। यहाँ पर देखो ये वीक आपको 100% किसी ना किसी सिचुएशन में आप जो अपनी अपनी सिचुएशन से लेना, ठीक है, आप यहाँ पर उसमें जो भी परेशान थे, तो ये वीक देखो जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर एंड विक्ट्री का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर वही है आपके लिए कि आपको अब बहुत ज़्यादा आप पीस में, शांति में आप रहने वाले हो। ये वीक आप बहुत ज़्यादा आपकी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर रहने वाली है। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, वो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, उसमें डेफिनेटली आपको सक्सेस यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। विक्ट्री है, सक्सेस है, एक अपने आप पे प्राउड करना, हाँ कि हाँ हम भी किसी से कहते हैं ना कम नहीं। ओके, यहाँ टेम्पल पाथ, बिल्कुल जो मैंने अभी बोला था इस कार्ड से कि एक मैं कैसे बताऊं कि जब हम बहुत ज़्यादा किसी, जैसे एक एक मैं एक उसी का एग्जांपल देती हूँ, कैसे युद्ध, जब युद्ध होता है और जब वो एंड होता है उसका, जब वो कैसी शांति होती है आप फील कर पाते होगे, ठीक है। वो शांति इस वीक आप काफ़ी फील कर पाओगे अपने खुद के अंदर, ठीक है। यहाँ पर इस वीक आप किसी तीर्थ स्थल पे कोई जा सकता है, कोई घूमने जा सकता है, या बहुत ज़्यादा मंदिरों में या जो भी अपने धर्म से आप लेने ला, मंदिर मस्जिद आप जाना यहाँ पर पसंद करोगे, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं ना अंदर से जब हम खुश होने लगते हैं तो डेफिनेटली हम पॉजिटिविटी की ही तरफ जाते हैं। ये वीक आप काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हो, कम्युनिटी डेफिनेटली ये वीक आप काफ़ी खुश रहने वाले हो, गेट टुगेदर, पार्टी, सक्सेस, सेलिब्रेशन, ठीक है। और नंबर 7 जो कि स्पिरिचुअलिटी को बताता है, आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी ग्रो करोगे। आप आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो अभी तक शायद काम नहीं कर रहा था, तो वो यहाँ पर काम करने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी अभी तक एनर्जी इनबैलेंस थी, तो अब इस वीक आप बहुत ज़्यादा बैलेंस रहने वाले हो, क्लियरिटी है आपके अंदर, इसलिए आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये वीक आप काफ़ी फ्रेंडों के साथ घूमना फिरना, इंजॉय करना, उनसे बातें करना, फ़ोन कॉल पर मस्ती करना, ये सब मैं किसी किसी के लिए यहाँ पर ये देख रही हूँ। थैंक यू सो मच। काफ़ी आप शायद कहीं जा रहे हो तो शायद फ़ोटो वगैरह इन सब चीज़ों को भी आप काफ़ी वो करते, एक जो कहते हैं ना हमारी हॉबी होती है, हमारा शौक होता है, तो वो उन सब चीज़ों में आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हो। एंड सेकेंड कार्ड है डोर टू स्प्रिट, डेफिनेटली यहाँ पर वो कहते हैं ना युद्ध की समाप्ति, आपने कुछ बिल्कुल कुछ चीज़ें आपकी एंड हो चुकी हैं, ठीक है, वो एंडिंग हुई है और यहाँ पर ये गेट आपके लिए खोला जा रहा है। यहाँ पर देखो वाइट पिजन है, यहाँ पर आपके स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट्स, बर्ड स्पिरिट्स आपको बहुत ज़्यादा आपको पीस और शांति यहाँ पर फील कराएंगे। आप एक कहते हैं ना आपके लिए एक अभी तक ये दरवाज़ा बंद था, इसलिए अब यहाँ पर ये खुल रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअली, ओके, स्पिरिचुअली भी आप अपनी चीज़ों के प्रति क्लियर यहाँ पर हो पाएंगे। कि कुछ चीज़ें आपके अंदर शायद डाउट थी कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, कैसे और मुझे इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। 6 चक्रा आर्केंजल मेट्रोटोन, डेफिनेटली यहाँ पर देखो आप स्पिरिचुअली तो काफ़ी अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने यहाँ पर थर्ड आई चक्रा पर बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, ठीक है। थर्ड आई देखो हमारी इंट्यूशन को बताता है, हमारी गट फीलिंग को बताता है, हमारी अंतरात्मा, हमारा इनर वॉइस यहाँ पर बताता है, ठीक है। मैं यहाँ पर चक्रा से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। ये वीक कैसा रहने वाला है, ओके, वाओ, बोलो अब क्या बोलोगे। ये वीक डेफिनेटली जो मैंने अभी आपको बताया था, आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है, मतलब बहुत प्यार से कोई आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर वो आपका सोलमेट भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर बोला आपकी थर्ड आई चक्रा पर आप काम कर रहे हो, बिल्कुल यहाँ पर ये थर्ड आई है, ओके, ये थर्ड आई है, आप अपनी थर्ड आई पर बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, ठीक है। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएट यहाँ पर
करने वाले हो इस वीक, आप है ना कहते हैं कि जब हमारे कुछ अपनी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है तो उसको लेके हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो, और उसके साथ नए नए खेल खेलना ओके, वो एक आप शायद कुछ और भी क्रिएट करोगे उन सब चीज़ों के साथ। यहाँ आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा आपको पता चलने वाला है इस वीक, के कितने आपके अंदर कितनी प्रतिभाएं यहाँ पर छुपी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपके सोलमेट के कार्ड निकला और क्रिएशन का कार्ड निकला यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं बस एंजल से और एक कार्ड लूँगी। थैंक यू एंजल्स। इस वीक एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडलाइंस, क्या दे रहे हैं आपको। ठीक है एंजल्स, एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या है, क्या सरप्राइज है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, क्या सरप्राइज है, प्लीज़ गाइड मी, क्या सरप्राइज है इस वीक, क्या सरप्राइज है, प्लीज़ गाइड मी, क्या सरप्राइज है। ओके टू कार्ड, ओके एंजल ऑफ होप एंड एंजल ऑफ पावर। बिल्कुल, यहाँ पर देखो एंजल्स आपको कहते हैं ना ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं आपको और गाइडलाइंस भी यहाँ पर मिल रही है। पहले मैं आपको ब्लेसिंग्स बता देती हूँ, ये बिल्कुल एक जो ये विक्ट्री का कार्ड निकला है ना, ये वही है आपका कि एंजल्स अभी तक एक कहते हैं ना एक किसी चीज़ की एंडिंग हुई है डेफिनेटली, अब आपको अपनी पावर में यहाँ पर लाया जा रहा है। एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, यही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि उठो चलो और अपने काम से लगो। ठीक है, और गाइडलाइंस यही है कि सिचुएशन कभी भी एक जैसी नहीं होती है, ये लाइफ है, हमेशा इसको एक एक दिए की जले हमें जला कर रखना है। जैसे दिया क्या होता है ना, दिया कभी भी अंधेरे में भी उसको रख दो, वो हमेशा शब्दुर रोशनी ही एक फैलाता है वो। ठीक है, तो आपने आप को भी वैसे बनाने की कोशिश करो। ठीक है, कभी भी हिम्मत नहीं आनी है, एक आप अपने अंदर एक दिया हमेशा जला के रखना है। ठीक है, जो कि वो उसको कभी बुझने नहीं देना, ये गाइडलाइंस है आपके लिए कि जब तक ये जलता रहेगा ना तब तक आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे, ऐसे ही अपनी पावर में आते रहोगे। ठीक है, एक होप ही होती है, एक उम्मीद ही होती है जो इंसान को कहाँ से कहाँ तक लेके जाती है। तो एंजल्स आपको गाइडलाइंस यही दे रहे हैं कि होप बना के रखनी है, आपको आपकी पावर में लाया जा रहा है। ठीक है, एक ब्लेसिंग्स है आपको कि आप बहुत कहते हैं ना कि भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जिसके अंदर साहस होता है। ठीक है, कुछ करने का, मुसीबतें भी उसी की तरफ आती हैं, तो अपने आप को समझो और अपनी पावर में आने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, पाइल तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए अब मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय।